इस बर्तन को इतना चमकता हुआ देख के आप लोगों को लग रहा है कि इसका हाल कुछ इस तरीके का था? हेलो एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग फ्रेंड्स। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं, मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। ये ब्लॉग थोड़ा डिफरेंट हो रहा है क्योंकि आज क्या हुआ ना फ्रेंड्स कि मैं दूध चढ़ाई थी और दूध चढ़ा के मैं चली गई थी बाबू को चुप कराने के लिए, क्योंकि बाबू आज बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। सोई थी और सो के उठ के बहुत रोने लगी थी, तो मैं बाबू को फिर दूध पिलाने लग गई और उतने में मेरे को ध्यान में नहीं रहा कि मैंने दूध चढ़ाया था। और दूध एक्चुअली थोड़े कम आँच पे ही था, पर तब भी वो जल गया क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं था। तो आज दूध का बर्तन गंदी तरीके से जला है, तो मैं आज वो कैसे क्लीन करूँगी? ऐसा सबके घर में होता है कि दूध का बर्तन या कोई बर्तन जल जाता है तो उसे कैसे क्लीन करें, तो वही आज मैं दिखाऊंगी और मैं खुद भी देखूंगी ट्राई करके, क्योंकि मैंने एक वीडियो में ही देखा था ये कैसे क्लीन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। हाँ फ्रेंड्स, मिष्टी अभी सो रही है तो इसीलिए मैं अभी फटाफट से जा रही हूँ, मैं उसे क्लीन करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, यही है मेरा दूध का बर्तन जो कि आज बहुत गंदी तरीके से जल चुका है। बहुत ज़्यादा दूध नहीं था, थोड़ा ही दूध था, पर ये जला बहुत ख़राब तरीके से है। तो मैं ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा सामान यूज़ नहीं करूँगी, बहुत ही बेसिक चीज़ों से इसे साफ़ करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, ये अगर दूध का बर्तन जैसे ही जलता है ना, वैसे ही इसे पानी में भिगो के रख देना है, ताकि ये जो भी जला हुआ है ना, क्योंकि दूध की पपड़ी बन जाती है, तो उसे क्या करना है कि उसे हमें साफ़ कर लेना है। तो उसके लिए, उसको बर्तन को छोड़ने के लिए हमें पानी से पूरा भिगा के छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप पानी से भिगाना भूल जाएं तो एकदम गरम गरम खौलता हुआ पानी इसमें डाल के और 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें, और उसके बाद उसी तरीके से क्लीन करिए जिस तरीके से मैं करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले एक नाइफ़ ले लिया है और लिया है मैंने ये सैंड पेपर। तो सैंड पेपर बहुत ही ज़रूरी है, ये हमारे घर के आसपास किसी भी हार्डवेयर स्टोर में मिल जाता है। तो ये देखिए, ये जितना भी पपड़ी जैसा हो गया था, तो ये सबसे पहले तो नाइफ़ से कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो रहा है। तो मेन जो हमें, हमारा ये फुलाने का रीज़न है ना पानी में डाल के रखने का, वो यही है कि ये जितना भी साइड साइड का पपड़ी है ना, वो बिल्कुल छोड़ देगा नाइफ़ से ही। और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, मैं बस हल्का हल्का हाथ लगा लगा के घुमा रही हूँ और ये बिल्कुल साफ़ हो जा रहा है। तो देखिए, बर्तन ऐसे तो साफ़ हो जा रहा है, लेकिन ये बीच में जो जला है, जहाँ पे वो काला बिल्कुल निशान बैठ गया है, तो उसे मेन साफ़ करना है। क्योंकि वो दूध का बर्तन जो जला होता है ना, उसे देख के समझ में आता है कि भाई ये दूध का जला हुआ ही बर्तन है, क्योंकि बहुत ख़राब तरीके से जल गया है। तो अभी हमें क्या करना है कि इस तरह से हम साफ़ कर रहे हैं, और ये देखिए बीच में जो एरिया है ना, वहाँ पे थोड़ा साफ़ करना मुश्किल है नाइफ से। तो हमें क्या करना है कि पहले जहाँ जहाँ साफ़ हो पा रहा है, वहाँ वहाँ हम इस नाइफ़ के हेल्प से साफ़ करेंगे और अच्छी तरीके से घुमा घुमा के साफ़ करेंगे। जितना जो भी एक्स्ट्रा कुछ नाइफ़ से निकल सकता है, वो सब निकाल देंगे। तो ये देखिए, ऊपर की तरफ में भी जो जला था, मैंने कोशिश किया है कि जितना चीज़ मैं आसानी से कर सकूं, वो सब मैं आसानी से कर दूं। और इसमें हार्डली 5-10 मिनट लगेगा और ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, ये बिल्कुल चमकने लगेगा पहले की तरह। तो ये देखिए, इस तरह से मैं अभी साफ़ कर रही हूँ। ये बाहर बाहर का भी मैंने साफ़ किया, अंदर का भी मैंने साफ़ किया। अब मैं क्या करूँगी कि देखिए, यहाँ अंदर का क्या है ना फ्रेंड्स, कि अंदर का वो जो बैठा हुआ है ना, उसमें ये इस तरह का खड़ा नाइफ़ लगाना थोड़ा मुश्किल का बात है। तो अभी मैं सबसे पहले जितना साफ़ हुआ है वो धो लूँगी, और धो के अभी मैं दिखाती हूँ कि उसमें अभी भी कितना काला जमा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, कि इसे हम दूसरी चीज़ से साफ़ करेंगे, अब हम इसे नाइफ़ से साफ़ नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ले लिया है ये चम्मच। तो आपके घर में जो भी थोड़ा सा ऐसा, ये शार्प नहीं होता है, पर इसका जो पॉइंट रहता है ना, वो थोड़ा सा निकला रहता है, जिससे कि हम क्लीन अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी अगर आपके पास चम्मच हो, तो उसके मदद से ये जो राउंड वाला शेप है ना, उस पर हम घुमा घुमा के इसे साफ़ करेंगे। तो इस तरह से साफ़ करने से क्या होगा ना, कि वो जितना भी राउंड शेप जो नाइफ़ से नहीं निकल पा रहा था, वो इस चम्मच से बहुत आसानी तरीके से निकलेगा। और ये आप एक बार करके देखिएगा, बहुत आराम से चम्मच से ये छोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो ये मैं चम्मच के आगे से पीछे से दोनों तरफ से ट्राई कर रही हूँ कि जितना मैं छुड़ा सकूँ, ईजिली तरीके से मैं छुड़ा दूँ, क्योंकि इसे करने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। इसे हम बस घुमा रहे हैं, घुमा घुमा के
कर रहे हैं और ये फटाफट से निकल रहा है क्योंकि ये पूरे अच्छी तरीके से भीगा हुआ था। मैंने इसे जैसे ही ये जला था पानी डाल के रख दिया था और ये अभी मैं शाम को 5 बजे कर रही हूँ और ये सुबह कुछ 10 बजे के आसपास जला था। आप इसे 2-3 घंटे भी भिगोएंगे तो भी होगा। तो अभी देखिए मेरे हाथ का हाल और इस बर्तन का हाल, तो अब मैं एक बार फिर से इसे धोऊंगी। सो फ्रेंड्स ये देखिए अभी भी ये इतना कुछ रह गया है, तो अब मुझे जो करना है वो है चम्मच और नाइफ को रखना है दूर और निकालना है अपना सैंड पेपर। तो ये जो मैंने सैंड पेपर लिया है, सबसे पहले तो मैंने इसके 4 टुकड़े कर लिए और मैंने एक टुकड़ा लिया है और अब मैं इसे अच्छे से घिसना शुरू करूँगी। जैसे हम स्कॉच ब्राइट से अपने बर्तन को घिसते ना, तो ये देखिए चमकना स्टार्ट हो चुका है। फ्रेंड्स हमारा बर्तन ऑलरेडी चमकना स्टार्ट कर चुका है। जितना ये साफ नाइफ से हुआ था वो तो हुआ था, लेकिन ये सैंड पेपर जो है ना, ये इसकी चमक को वापस ला रहा है। तो इस तरह से हमें घुमा घुमा के इसे साफ़ करना है। तो ये देखिए इस तरह से ये कितना चमक रहा है ना, वही मैं दिखाने का कोशिश कर रही हूँ कि देखिए इसमें चमक आने भी लगा। तो इसे पकड़ के, एक्चुअली ये सैंड पेपर थोड़ा सा पतला होता है ना, पेपर का होता है, तो इसे पकड़ के करना थोड़ा मुश्किल, थोड़ा सा आप चाहे तो स्कॉच ब्राइट के ऊपर में रख के भी इसे कर सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। लेकिन ये जो राउंड वाला एरिया है ना, उस राउंड वाले एरिया में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था क्योंकि वो पेपर को मोड़ना पड़ रहा था। लेकिन आपको सही बताती हूँ, ये सैंड पेपर से मेरे बर्तन का बिल्कुल चमक वापस आने वाला है। तो इस तरह से मैं सैंड पेपर लेके एक अंगूठे से मैंने चाप के पकड़ लिया है सैंड पेपर को और दूसरे 4 उंगली से मैं इसे घिस रही हूँ। तो इस टाइम पे हमें थोड़ा सा हाथ में प्रेशर डाल के घिसना है। उसके पहले हमें हल्के हाथ से ही नाइफ से सब कुछ करना पड़ रहा था, इस बार हमें थोड़ा सा हल्का हाथ में प्रेशर डाल के और इसे साफ़ करना है। तो इस तरह से मैं आप फटाफट से इसे साफ़ करूँगी। सो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने फटाफट से इसे साफ़ कर दिया है। अब मैं टिश्यू पेपर से पोंछ के दिखा रही हूँ, तो ये देखिए बर्तन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इसमें दूध जला था। तो इसका बाकी का जो है वो भी मैं फटाफट से साफ़ कर लूँगी। तो ये देखिए मैं अभी टिश्यू पेपर से अच्छे से पोंछ रही हूँ कि कहाँ कहाँ और भी लगा हुआ है। तो मैंने सैंड पेपर वापस ले लिया है और मैं जहाँ भी अब थोड़ा भी बचा हुआ है वो सब उसी तरह से मैं क्लीन कर रही हूँ। और इस तरह से ये देखिए बर्तन में बिल्कुल भी कोई दाग नहीं रहने वाला है। बर्तन बिल्कुल पहले की तरह चमकने वाला है। ऐसा भी नहीं है कि हाँ साफ़ हो गया पर बर्तन में वो शाइन नहीं आया, वो बर्तन में वापस वही सेम शाइन आ जाएगा। एक्चुअली ये जो सैंड पेपर से साफ़ करने वाला तरीका है ना, ये अभी से नहीं, ये हमारे नानी दादी और उनकी नानी दादी के टाइम से चला आ रहा है। तब वो सैंड पेपर से नहीं साफ़ करते थे, पर वो सैंड मिट्टी ये सब से साफ़ करते थे। और आप जानते ही होंगे, आपने देखा ही होगा कि पहले के बर्तन कितने चमकते थे हमारे घरों में, मतलब हमारे गांव में। अभी भी गांव में आप जाएंगे तो देखेंगे सारे बर्तन इतने चमक रहे हैं कि कुछ कहने को नहीं। भाई वहां का बर्तन कुछ अलग ही शाइन करता है और हमारे यहाँ का बर्तन देख लो, जरा भी जल गया तो काला काला धब्बा बैठ गया। तो यहाँ ये देखिए, यहाँ पर मैं दूध के बर्तन के पीछे का साफ़ कर रही हूँ। देखिए कितना ज़्यादा जला हुआ था, उसमें बिल्कुल क्या बोलते हैं फ्लेम का दाग पड़ गया था। पर ये सैंड पेपर से जैसे जैसे मैं घिस रही हूँ वैसे वैसे चमकता जा रहा है। तो ये बिल्कुल चमक उठेगा फ्रेंड्स। और ये प्रोसेस सबसे इजी और सबसे सही तरीका है। नींबू लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, ये खर्च करो, वो खर्च करो, कुछ खर्च नहीं करो। जाओ 5-10 रुपये का एक सैंड पेपर लेके आओ, थोड़ा सा साफ़ करो और हल्का सा हाथ से घिस दो, बिल्कुल चमक उठेगा। और बिल्कुल भी ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है। आप जब जिस टाइम पे बर्तन धोते हैं उस टाइम पे आप लेके, आपका अगर कोई भी बर्तन जला हुआ है उसी टाइम में स्कॉच ब्राइट में रखिए और ज़ोर से हाथ से घिस घिस के साफ़ कर लीजिए। ना ज़्यादा टाइम लगेगा, ना ज़्यादा परेशानी होगी, कुछ भी नहीं, ना टाइम ना परेशानी, कुछ नहीं। आराम से अब मैंने इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब मैं स्कॉच ब्राइट से और साबुन से इसे धो लूँगी। तो अब मैं इसे अच्छे से साफ़ करके आपको लास्ट दिखाती हूँ कि ये कैसा हुआ है। सो देख लीजिए फ्रेंड्स, अब बर्तन को देख के कोई बोलेगा क्या कि इसमें दूध जला था या इसमें कुछ भी जला था, ये बिल्कुल एकदम पहले की तरह चमक रहा है। तो मैंने यहाँ मेरा एक कढ़ाई ले लिया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने इस कढ़ाई को भी एक बार क्लीन करके देखूँ। बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं करूँगी क्योंकि मिट्टी के उठने का डर है, कढ़ाई में आवाज़ होता है, दो साइड में हैंडल है, तो मैं बहुत ज़्यादा कढ़ाई को क्लीन नहीं करूँगी। पर हाँ मैं चेक ज़रूर करूँगी कि ये कितना साफ़ हो रहा है। तो मैं अभी थोड़ा दिखा देती हूँ कि मेरा कढ़ाई कितना जला हुआ है। और ये अभी का नहीं, मेरे शादी के पहले का जला हुआ है क्योंकि मम्मी जी यहाँ पे आती थी, कुकिंग वुकिंग करती थी। मम्मी जी बहुत ज़्यादा रगड़ नहीं पाती थी क्योंकि गांव में वो लोग मिट्टी बालू ये सब से साफ़ करते हैं, यहाँ पे वो लोग ये सब कहाँ मिलेगा कि सबसे साफ़ करेंगे। और मम्मी खड़े खड़े भी काम नहीं कर पाती थी, तो यहाँ पर
जैसा भी था मैं तो चला रही थी, लेकिन मैं आज देख रही हूँ कि सैंड पेपर से ये क्लीन होता है कि नहीं, तो मैं अपने तरफ से ट्राई करूँगी कि ये क्लीन हो सके, तो चलिए देखते हैं। तो मैंने सेम सैंड पेपर लेके और घिसना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ मैंने घिसा और घिस घिस के ये देखिए, मैंने सबसे पहले बीच का देखा और ये बीच का देखिए कितना अच्छे से साफ़ हो गया। तो मुझे इतना उम्मीद तो आ गया था कि अब मेरी कढ़ाई भी साफ़ हो सकती है दोस्तों। तो इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम निकाल के करना होगा, तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया है, लेकिन हाँ मैंने थोड़े देर के लिए ही थोड़ा थोड़ा करके क्लीन किया जहाँ जहाँ मुझे लगा कि अभी साफ़ हो सकता है। तो मैं बहुत ज़्यादा अभी अपना टाइम और एफर्ट नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि अभी मिस्टी उठ सकती थी कभी भी और मुझे कुछ ना कुछ और भी काम थे, तो इसलिए मैं फटाफट से जितना कर सकती थी उतना मैंने किया। थोड़ा सामने की तरफ भी मैंने घिस दिया था कि थोड़ा सामने की तरफ भी चमक जाए। तो अब एट लास्ट देखते हैं कि हमारे कढ़ाई का क्या चमक है। तो ये देख लीजिए, कढ़ाई पीछे से अच्छा खासा साफ़ हो चुका है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो पूरा इस क्लीनिंग पे ही था। तो आज के वीडियो को अब यहीं एंड करेंगे और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए इस तरह के टिप्स ट्रिक्स और डेली व्लॉग के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।